you are. My sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. The only key know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. थैंक यू डीजे. टफ नंबर टू पे स्कोरर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुरंत पहुंचे. टर्फ वन का जो स्कोरर है वो टर्फ वन और टू का जो कॉर्नर है वहां पर बैठेंगे. टर्फ टू का जो स्कोरर है वो टर्फ वन और टू, मतलब वन और टू का स्कोरर आसपास रहेगा. चूंकि हमारे पास माइक लिमिटेड है, सो एट वन जंक्शन वी कैन गेट दैट स्कोरिंग ऑफ टर्फ वन और टर्फ टू ऑल्सो. सो टर्फ वन और टर्फ टू के स्कोरर आजू बाजू में रहेंगे, सिर्फ बीच में नेट रहेगी. और टर्फ थ्री पे जो स्कोरर हैं वो टर्फ थ्री के डगआउट के पास रहेंगे. टर्फ वन और टू के पास कमेंट्री के लिए पहुंच रही हैं आयत, और टर्फ थ्री पे कमेंट्री के लिए पहुंच रहे हैं समीर. जैसे ही मैच शुरू होगा वैसे ही हम कमेंट्री करेंगे. और चूंकि एक ही आउटपुट है और तीन टर्फ पे साइमल्टेनियसली मैचेस चलेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री, बट विल मेक श्योर कि जितने भी अच्छे मूवमेंट है वहां पर हम कमेंट्री करें और साथ ही साथ आपको ओवर्स ओवर्स के ऊपर बताते रहें. For the day, and it's over to Ayat and Samir. Thank you. Thank you. तो मगर ये होंगे ना, मगर ये होंगे.
ऑनलाइन पे जाएगा ना वो स्कोर कर रहे हो ना Thank you.
हेलो 37 है स्कोर ड्राफ्ट 3 पर. कमलेश मेहता प्रेजेंट्स AJCL ड्राफ्ट 1, 2 और 3 पे. यहाँ पे जबरदस्त मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है. यहाँ पे इंद्रधनुष जैसी छटा जो बिखरी हुई दिख रही है, आप सभी रंगों का जबरदस्त तालमेल टर्फ 1, 2 और 3 पर. लाल और नीला, हरा पर्पल, येलो पिंक और हमारे अंपायर्स व्हाइट, मतलब आप कह सकते हैं एक जबरदस्त रेनबो और बेहतरीन मुकाबले आज दिन भर. टर्फ 1 पे जो मैच चल रहा है वो चल रहा है जिन दो टीमों के बीच, उनका नाम है FH रॉयल्स वर्सेस KKR. टॉस जीता है KKR ने. एक रन टर्फ 3 पर. इस एक रन के साथ पहला ओवर हो चुका है कंप्लीट टर्फ 1 पे. ये दूसरा ओवर चल रहा है और दूसरे ओवर में भी एक विकेट जा चुका है. पहले ओवर में भी हमको विकेट मिला था, ये दूसरे ओवर में भी एक विकेट जा चुका है. विकेट गिरा टर्फ 3 पर. रूफ से टकराई गई, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बल्लेबाज हुए आउट. और टर्फ 2 पे भी जश्न. पिछले एक महीनों से चला रहा IPL का, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत हुई है अभी फिलहाल, ये आज पूरे दिन भर रात तक और किसी भी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल है वो दुनिया के किसी भी कम नहीं. रन आप इसी बीच टफ नंबर 3 पर और तुरंत बाद टर्फ 2 पर भी. After 6, 41. 41 for 6. After 6 ओवरों के बाद 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर टर्फ 3 पे. मुकाबला है टीमें हैं राइजिंग स्टार्स और ईवी वॉरियर्स. बल्लेबाजी करने वाली टीम राइजिंग स्टार की टीम कर रही बल्लेबाजी. 41 रन स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद. लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल. टर्फ 3 का है. दोपहर के 12 से ज्यादा बज चुके हैं. टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास. और धूप में यहाँ पे सभी खड़े टर्फ के अंदर. पहले तो इसके लिए जितनी तारीफ की जाए एक और विकेट. आराम से
ओवर हुए समाप्त। सात ओवर के बाद 47 42 गेंदों में 48 रन। ये हाल है तब 33 तीनों की टर्फ के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। टर्फ वन पर मुकाबला चलता हुआ टीम केकेआर और एफएच रॉयल्स, टर्फ टू पे इंडियंस और सीएम रॉक्स, और टर्फ तीन पे एनी वॉरियर्स और राइजिंग स्टार। और टर्फ वन पे इस समय जो स्कोर नजर आ रहा है एलईडी पे वो है 3 ओवर के बाद 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये टर्फ वन का सूरत हाल। और हमारे चौके और सिक्सर के स्पॉन्सर हैं, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ आर कमेंट्री टीम, हमारे चौके सिक्सर के स्पॉन्सर हैं रूल्स डायमंड। सो हर चौके और हर सिक्सर पर आपको ये नाम सुनाई देगा, रूल्स डायमंड चौका या रूल्स डायमंड सिक्सर। आई होप समीर भाई यू हैव नोटेड। जी अरमान भाई, सो रूल्स डायमंड चौका एंड रूल्स डायमंड सिक्सर, ये हमारे चौके और सिक्सर के स्पॉन्सर हैं। This whole event is presented by Kamlesh Ji Mehta, Andheri Jain Champions League 2019. Turf 2 पे जो मैच चल रहा है वो है CM Rocks और MM Indians के दरमियान। CM Rocks की टीम, RK CM Rocks की टीम बल्लेबाजी कर रही है और MM Indians की टीम गेंदबाजी करती हुई टॉस जीतने के बाद, और यहां पर मिलती हुई सफलता, टर्फ 2 पे मिली सफलता टीम MM Indians को। हम शुक्रगुजार हैं हमारे सभी प्रायोजकों के। हमारे प्रायोजकों की जो फहरिस्त है वो कुछ इस प्रकार है। जर्सी के स्पॉन्सर हैं जयंतीलाल जी परमार, व्हाइट टाइगर। फूड के स्पॉन्सर हैं राकेश जी कोठारी। एक और फूड के स्पॉन्सर हैं आर एम मेटल, श्रीमान दीपक जी कोठारी। ऑक्शन के स्पॉन्सर केबी ज्वेलर्स के हितेश जी जैन और संतोष ज्वेलर्स के राहुल जी जैन। वाटर के स्पॉन्सर हैं वर्षा ज्वेलर्स के कल्पेश जी सराफ। चौके सिक्सर के स्पॉन्सर रूल्स डायमंड अमित जी मेहता। कैप के स्पॉन्सर हैं देव नारायण ज्वेलर्स नरेश जी जैन। टॉस का बॉस स्पॉन्सर मनीष जी कोठारी। सो अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीमान मनीष जी कोठारी से कि वो अगले 3 टॉस के लिए रेडी रहें। हम आने वाले सभी मैचेस के टॉस स्टेज पर ही करेंगे। हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर मनीष जी कोठारी। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं बीबी ज्वेलर्स अंबालाल जी जैन। स्टंप्स पर जो नेम नजर आ रहा है उसके स्पॉन्सर हैं पीजी ज्वेलर्स हसमुख जी राठौड़। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं आतिश जी जैन और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं कुणाल जी कोठारी फ्रॉम रूपकला टेक्सटाइल। इसके साथ हमारे एक और स्पॉन्सर हैं श्रीमान विपुल जी राणावत। मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर हैं अमृत जी कोठारी फ्रॉम कालिंगा ज्वेलर्स। बैट ऑफ द टूर्नामेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय देवीबेन कांतिलाल जी कोठारी फ्रॉम लिमिट इंटरप्राइजेस। And ball of the tournament sponsored by Ashwinji Jain from Mahendra Jewelers. एक बार score check करते हैं। It's score turf one पे 4 ओवर के बाद 33 और turf 3 का score बताएंगे हमें समीर। Turf 3 पे 48 रन बनाने हैं 42 balls में, 7 ओवरों का मुकाबला करने हैं 48। शुरुआत हुई मुकाबले की, अभी नहीं खुला है खाता टीम EV Warriors का। क्या बात है। एंड वी ऑल्सो हैव स्टार डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर सेंटर विकास, जो यहाँ पर आपका ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ एनीवन वांट्स टू चेक देयर ब्लड शुगर दे कैन कम हियर एट द काउंटर ऑफ स्टार डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर सेंटर, यू कैन गेट योर ब्लड शुगर टेस्ट। वी ऑल्सो हैव अदर फैसिलिटीज जिसके लिए यू विल गेट सम डिस्काउंट, बट ब्लड शुगर विल बी डन फॉर फ्री ब्लड शुगर टेस्ट। और क्लीन बोल टफ तीन पर जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पे लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, अंदर आई विकेटों पर घिरा विकेट। तो टर्फ तीन पर स्कोर इस समय 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, बनाने हैं 48।
हम अगले तीन मैचेस का टॉस करने जा रहे हैं। टीमें प्लीज तैयार हो जाएं। बॉम्बे बॉयज और बिग लायन टर्फ वन पे मैच होगा, विकी एवेंजर्स और व्हाइट टाइगर्स टर्फ टू पे मैच होगा, और कोठारी वॉरियर्स एंड कावेरी ब्रदर्स ये टर्फ तीन पर मैच होगा। सो निवेदन है इन सभी टीमों के कैप्टन से कि वो मंच की तरफ आ जाएं। और हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर, जैसा कि आप सभी ने अभी नाम सुना, हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर है मनीष जी कोठारी। इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सर आप भी मंच की तरफ रुख करें, आपके शुभ कर कमलों द्वारा आने वाले सभी मैचेस के टॉस किए जाएंगे। एंड टीम स्टेज के पास पहुंचकर प्लेइंग प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो भी हमारी इवेंट टीम से कलेक्ट करें एंड वो भी हमें टॉस के समय ही प्रोवाइड कर दें, नेम्स ऑफ ऑल दी प्लेइंग प्लेयर्स। ये डायमंड रूल सिक्स एट टफ नंबर थ्री, तो पहली बाउंड्री यहां पे टफ नंबर तीन पे इस इनिंग चेस में। हमारे टॉस का बॉस मनीष जी कोठारी के लाडले, आई थिंक ही इज प्रेजेंट हियर, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर आप स्टेज के पास आ जाएं, आपके हाथों से टॉस करेंगे हम। हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर मनीष कोठारी जी के सुपुत्र श्रीमान ऋषभ हैं यहाँ पर, ऋषभ उनके हाथों से हम टॉस करेंगे। चलिए कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आ जाएं क्विकली। टीम जिनके मैचेस हैं टर्फ वन पे बॉम्बे बॉयज और बिग लायन, बॉम्बे बॉयज के कैप्टन आई थिंक ही इज हियर, एंड बिग लायंस के कैप्टन आ जाएं प्लीज टॉस के लिए, बॉम्बे बॉयज और बिग लायंस। उसके साथ में विकी एवेंजर्स और व्हाइट टाइगर्स के कैप्टन भी प्लीज आ जाएं, विकी एवेंजर्स एंड व्हाइट टाइगर। एंड टफ नंबर तीन पर कोठारी वॉरियर्स और कावेरी ब्रदर्स, ये कैप्टन्स भी आ जाएं प्लीज। सो हमारे फोटोग्राफर भी स्टेज की तरफ आ जाएं प्लीज। चलिए पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप अपने प्लेइंग प्लेयर्स के नाम तब तक दे दें, बिग लायंस भी दे दें, टीम बॉम्बे बॉयज आप भी प्लेइंग 11 ऑलरेडी दे दिया, ग्रेट। सो आई थिंक दीज टू कैप्टन्स आर रेडी, बॉम्बे बॉयज एंड बिग लायन, लेट्स डू द टॉस। आ जाइए ऋषभ भाई आप भी, जो हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर हैं। सो टीम बॉम्बे बॉयज के कैप्टन यहां पर हैं मिस्टर विराग, रिक्वेस्टिंग द कैप्टन ऑफ टीम बिग लायन ऑल्सो टू प्लीज ज्वाइन अस फॉर द टॉस। So I have both the captains with me, team Bobby Boys and team Big Lion Foundation, Rahul Bhai Big Lion Foundation ki taraf se and Virag Bhai from Bombay Boys, aur hamare toss ka boss sponsor Manish ji Kothari ke suputra Shriman Rushabh ji Kothari, unke haathon se hum karenge toss, and kaun de raha call, Bombay Boys ke captain denge call, here you go. So let's see, Bombay Boys captain will take the call. Tails is the call, kahan gaya? एंड क्या है मैम, टेल्स या हेड्स? हेड्स इट इज। सो टॉस जीता है बिग लैंड फाउंडेशन, राहुल भाई ने क्या करेंगे सर? वी लाइक टू फील्ड, फील्डिंग फर्स्ट सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच एंड योर मैच विल हैपन एट टर्फ 1 एंड ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो विराग, आई होप यू हैव सबमिटेड योर प्लेइंग प्लेयर्स। एक फोटो हो जाए साथ में, दो बॉल बचा है, दो बॉल बचा है, चलिए नेक्स्ट टीम, थैंक यू सो मच फॉर द कैप्टन्स। नेक्स्ट टीम इज विकी एवेंजर्स एंड व्हाइट टाइगर्स, सो व्हाइट टाइगर्स के कैप्टन है हितेश भाई और विकी एवेंजर्स टीम के कैप्टन है विकी। और विकी एवेंजर्स टीम की एक और खास बात है दोस्तों, आज का दिन
मदर्स डे है और इस पूरी टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी जर्सी पर अपनी माताओं का नाम अंकित किया है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ये टीम के लिए। देखिए एवेंजर्स और आई थिंक एक और टीम है जिन्होंने अपनी जर्सी पर अपनी मदर्स के नाम प्रिंट कराए हैं। बिग लायन फाउंडेशन, क्या बात है। सो बिग लायन फाउंडेशन डिकी एवेंजर्स ये दोनों टीमों ने आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में, हालांकि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक डे नहीं है मदर्स के लिए, एवरी डे इज मदर्स डे। हमारी माता जो हमें इस भूमि पर, इस धरती पर लाने के लिए कितना स्ट्रगल करती है और अपनी ममता में हमें पालती है पोसती है, हमारी सभी माताओं को शत शत नमन। मदर्स डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए टॉस करते हैं हम इस मैच का जो है व्हाइट टाइगर्स और विकी एवेंजर्स के बीच में। हमारे टॉस का बहुत स्पॉन्सर मनीष जी कोठारी, बट ऐसा उस तरफ देखिए कैमरा उधर, हाँ ग्रेट। सो हु इज टेकिंग द कॉल, हितेश भाई आप? ओके विराग, डिसाइड विराग भाई विल टेक द कॉल। ओके हेड्स इज द कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। इज इट हेड? सो हेड इट इज। सो टॉस जीता है विकी एवेंजर्स ने। विकी भाई विराग भाई क्या लेंगे? विकी भाई गेंदबाजी करेंगे। ऑल द बेस्ट टू विकी भाई एंड ऑल द बेस्ट टू हितेश भाई। एक एक फोटो हो जाए दोनों कैप्टन्स टुगेदर। इवन टीम, आई होप ये दोनों टीमों ने अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दिया है। एंड यस मैच नंबर 3 जो टफ 3 पे होगा, कोठारी वॉरियर्स और कावेरी बिल्डर्स। कैप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज। सो टीम कावेरी बिल्डर्स के कैप्टन मिस्टर प्रकाश एंड पंकज एंड कोठारी वॉरियर्स के कैप्टन दीपेश। एंड हियर यू गो ऋषभ भाई, क्या विषय टॉस कर दीपेश भाई आप दे रहे हैं कॉल? जी यस टेल्स इज द कॉल, देखते हैं क्या आता है ये। टेल सीरीज, सो टॉस जीता है टीम कोठारी वॉरियर्स ने। सर क्या फैसला आपका? फीलिंग फर्स्ट, ऑल द बेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स। लेट्स टेक अ फोटो टुगेदर एंड देन विल डिस्कस फ्रॉम हियर। Thank you. Thank you so much. I hope my even team is rising to the decision of the captains also. And thank you so much, Rushabh ji Kothari, who is our Toss ka Boss sponsor. That's it from the stage. Over to my partner, Sameer at Top 3. Over to you, man. So, pehli hari ka Eri Warriors. Pehla match jeeta wahan. Top 3 par. AJCL. Pehli vijeta team rahi aaj ki Eri Warriors. 48 successfully chase kiya. पर जो नेक्स्ट मैच है कोठारी वॉरियर्स और कावेरी बिल्डर्स, आप लोग पहुंच जाए स्टेडियम में। टॉप 3 पर मैच समाप्त हो चुका है। सो कोठारी वॉरियर्स एंड कावेरी बिल्डर्स प्लीज आप लोग अपने मुकाबले की शुरुआत करें। टॉप 3 कितना विनय चला जी है 74 रनों का। सात सात ओवर के मुकाबले हैं, 74 है लक्ष्य। कुमार नाइट राइडर्स और एफएच रॉयल्स के बीच का मुकाबला। अमित मालूम है दादे भंगना वाला, दोन तीन कार्ड राजा, दोन तीन कार्ड तेरा, दोन दे मारे थर्ड चेंज भी निकाल। आई थिंक मैंने हमारी जो एलईडी टीम है उनसे एक निवेदन किया है, मैं माइक्रोफोन पर भी अनाउंस करूं, जो उनके हेड हैं, ये जो दो एलईडीज लगे हैं इन दोनों में अलग अलग टर्फ के मैच प्ले करें। इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट हमारी एलईडी टीम, अगर टेनिस क्रिटिक्स की तरफ से हो तो वो लोग, या फिर कोई और अगर एलईडी वेंडर हो प्लीज, दो जो एलईडीज लगे हैं बड़े वाले इन दोनों में अलग अलग मैचों को डिस्प्ले करें प्लीज। एक पे टर्फ पॉइंट नजर आ रहा है, तो एक पे टर्फ दो या वो तीन का मैच हो प्लीज प्लीज प्रेजेंट करें। हम शुक्रगुजार हैं हमारे सभी वेल विशर्स के लिए। हमारे वेल विशर्स हैं मनीष जैन फ्रॉम मनोज ज्वेलर्स, महेश जैन फ्रॉम कमलेश ज्वेलर्स, उगम राजी तातेड़ फ्रॉम कुबेर ज्वेलर्स, तेज राजी तातेड़ फ्रॉम एमपी ज्वेलर्स, संदीप राणावत फ्रॉम राणावत एंड सन्स ज्वेलर्स, सुनील सादवेकर सादवेकर ज्वेलर्स, कांति जैन फ्रॉम कांति ज्वेलर्स, नेमीचंदी कोठारी, हार्दिक कोठारी फ्रॉम एम इमरान ज्वेलर्स, धीरज तातेड़ फ्रॉम धीरज ज्वेलर्स, हसमुख कोठारी फ्रॉम मेट्रो हॉलमार्क
एंड राजेश परमार फ्रॉम एचएम ज्वेलर्स, ये हमारे वेल विशर्स. अ बिग थैंक्स टू ऑल आवर वेल विशर्स. और हमारे जो बैनर के स्पॉन्सर हैं वो हैं किशोर जी धाकड़, मुकेश जी धाकड़ फ्रॉम अरिहंत ज्वेलर्स. अच्छा यहीं पर मौजूद है, क्या बात है. वेलकम सर, हमारे बैनर स्पॉन्सर फॉर योर सपोर्ट. क्या बात है, रॉयल ग्रुप बोरीवली ने विश किया है. रॉयल राजस्थान वाला ग्रुप, ओके. रॉयल बोरीवली वाले ग्रुप ने सभी को ऑल द बेस्ट फोन से विश किया. किशोर जी धाकड़, मुकेश जी धाकड़ फ्रॉम अरिहंत ज्वेलर्स, नितेश जी जोशी फ्रॉम श्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट, सिमायरा पीछे देखो कुसमुलु फ्रॉम एसके कंपनीज, करण भगत फ्रॉम भाविक एंटरप्राइजेस, विरल साक्षिया फ्रॉम ब्राइट कंप्यूटर्स, आकाश शाह फ्रॉम शाह इन्वेस्टमेंट, रौनक शाह, बी आर पाटिल फ्रॉम केनगन वाटर, जीत खत्री फ्रॉम सूटअप एंड रितेश जैन फ्रॉम वायरा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड. ये सभी हमारे बैनर स्पॉन्सर्स. अ बिग थैंक्स टू ऑल आवर बैनर स्पॉन्सर्स एज वेल. पर फन पे 74 का लक्ष्य है कुमार राइडर्स के सामने. और अब टर्फ टीम पर नए मुकाबले की शुरुआत हो रही है. इस दरमियान टर्फ एक पर निकलता हुआ एक रूल्स डायमंड चौका. सो दैट्स रूल्स डायमंड बाउंड्री एंड टर्फ वन. दिस इज अ अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ धीरी जैन चैंपियंस लीग सीजन वन. और टर्फ टू पर भी निकला रूल्स डायमंड चौका. सो आर के सी एम रॉक्स के हार्दिक के बल्ले से ये चौका. पर भी पहली इनिंग का समापन हुआ. ट्राई टू चेक द स्कोर. चलिए मेरी कमेटी से खुश होकर एक बच्चे ने मुझे एक इनामी राशि यहाँ पर दी है. इनामी जनाब कितने का भी हो, मतलब हमने बहुत कम मौके पर ऐसा देखा है जहां पर लोग खुश होकर हमें कुछ इनाम प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कोई मोमेंटो हो या फिर कोई इनामी राशि हो कैश के रूप में. मुझे थाने का एक मैच अभी भी याद है, आई थिंक 2015 की बात है शायद ये, जब हम लोग थाने में पहली मरतबा कॉमेंट्री कर रहे थे. इस दरमियान टर्फ वन पे निकलता हुआ रूल्स डायमंड सिक्सर. सो वहां के जो बहुत ही पॉपुलर शख्सियत है श्रीमान उदय परमार जी, उन्होंने खुश होकर हमें इनामी राशि दी और स्टेज पर अनाउंस भी करवाया कि इन बच्चों के लिए इनामी राशि, और वो भी अच्छी खासी राशि थी हजारों में. बहुत प्रेम मिलता है लोगों से, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी आयोजकों के, प्रायोजकों के, प्लेयर्स के, खिलाड़ियों के. दो ओवर समाप्त हुआ टर्फ वन पे और दो ओवर के बाद जो स्कोर नजर आ रहा है मुझे एलईडी पर वो है 21 विदाउट लॉस. कुमार नाइट राइडर्स दो ओवर 21 विदाउट लॉस. दिस इज अबाउट टर्फ वन. टर्फ टू पर दूसरी पारी शुरू होगी और टर्फ तीन पर नए मुकाबले की शुरुआत कर दें प्लीज जल्द से जल्द. टर्फ तीन पर जो मैच है वो है कावेरी ब्रदर्स और कोठारी वॉरियर्स. और साथ ही साथ स्टार डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से फ्री ब्लड शुगर टेस्ट भी यहां पर कराया जा रहा है.
लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी में एक बैग मिला है जिसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, जिस किसी के भी हो वो पहचान बताकर लेकर जाएं। मैंने खोल कर नहीं देखा लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा, हो सकता कुछ और भी हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस तरह से इसे पैक किया गया है शायद शायद ये हीरे जवाहरात की ही पूरी है। इसे मैं लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में रखता हूं हमारी इवेंट टीम के पास। जानवी, ओवर टू यू। शाम तक अगर कोई दावेदार नहीं आया, यू कैन टेक इट बैक टू होम। तीन पर शुरुआत हो चुकी है दूसरे मैच की, कोठारी वॉरियर्स वर्सेस कावेरी ब्रदर्स। एक रन हुआ स्कोर, पहला ओवर चलता हुआ इस समय। टर्फ टू पे भी दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। और जो अभी अभी मैंने अनाउंस किया कि हमें वो जो एक कैरी बैग मिला जिसमें हीरे जवाहरात हो सकते हैं, अगर आप ये सुने तो इसमें आपको चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं सभी गोल्ड और डायमंड में डील करने वाले ही हैं ज्यादातर। चाहे आप बात कर लें केबी ज्वेलर्स, संतोष ज्वेलर्स, वर्षा ज्वेलर्स, रूल्स डायमंड, देव नारायण ज्वेलर्स, बीबी ज्वेलर्स, पीजी ज्वेलर्स, कालिंगा ज्वेलर्स, महेंद्र ज्वेलर्स, मनोज ज्वेलर्स, कमलेश ज्वेलर्स, कुबेर ज्वेलर्स, एमटी ज्वेलर्स, राणावत एंड सन्स ज्वेलर्स, सागवेकर ज्वेल्स, कांति ज्वेलर्स, एम खीमरा ज्वेलर्स, धीरज ज्वेलर्स, एचएम ज्वेलर्स, अरिहंत ज्वेलर्स, ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स में से इतने तो हमारे ज्वेलर्स वाले हैं। मतलब अगर आज हम अंधेरी जैन चैंपियंस लीग 2019 के पहले संस्करण में यहां पर हैं तो हम हीरे जवाहरात में डील करने वाले लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं। और इंसान भी बहुत हीरा हैं ये सभी लोग। यह है कमलेश मेहता प्रेजेंस अंधेरी जैन चैंपियंस लीग। हालांकि एक लिमिटेशन हम कमेंटेटर्स के लिए यहां पर एक ये है कि तीन टर्फ पे साइमल्टेनियसली मैचेस चल रहे हैं एंड वी हैव गॉट ओनली टू माइक्स, बोलने वाले चार जन हैं। देखते हैं इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर पाते हैं। कोशिश चल रही है कि अगर कुछ और माइक्स यहां पर आए तो हम हर एक टर्फ का इंडिविजुअल स्कोर भी बताने में आप लोगों के बीच समर्थ हो पाएंगे। एक ओवर के बाद 6 रन कावेरी ब्रदर्स टर्फ नंबर 3 पर। क्या बात है। सो टर्फ 3 पर स्कोर बता रहे हैं हमारे कॉमेंटेटर समीर भाई। टर्फ 1 का स्कोर तो मुझे एलईडी से मिल रहा है जो इस समय 3.1 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहुंचा है, लेकिन टर्फ 2 का डिस्प्ले हमें एलईडी पर मिल जाए, जो दूसरी एलईडी है जिसपे टर्फ 1 का ही डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट स्कोर प्रोसेस। ओके, रास्ते में। और नो बॉल पे टर्फ 1 पे रूल्स डायमंड सिक्सर। एक और अच्छा शॉट टर्फ 1 पे। और जब इतना क्विकली मैचेस चल रहे हैं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक द प्लेयर्स नेम, सो आई होप प्लेयर्स वुड नॉट माइंड दिस। टर्फ 2 पे दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। किसी को पता है टर्फ 2 पे क्या टारगेट है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है सो दैट आई कैन अनाउंस। भाई आपको पता है किसी को टर्फ 2 पे टारगेट क्या है? पूरे 50। टर्फ 2 पे जो टारगेट है वो है पूरे 50 रन एमएम इंडियंस के सामने। आरके सीएम रॉक्स ने 49 बनाए, 50 का टारगेट एमएम इंडियंस के सामने। ये सूरत हाल है टर्फ 2 का। और टर्फ 1 पे निकलता हुआ एक और रूल्स डायमंड सिक्सर। ओवर टू टर्फ 3 समीर। ये रूल्स डायमंड सिक्सर, जैसे अरमान भाई आपने मुझे कहा वैसे ही एक सिक्सर आया यहां पर और इस सिक्सर के साथ पहुंचा 14 रन पर।
सो टर्फ वन पे चार ओवर मुकम्मल हुए हैं और चार ओवर के बाद स्कोर है 38-40, 42 अभी भी देखते हैं कितने पर आकर रुकता है स्कोर 40 तो है लेट्स सी 47 सो फाइनली चार ओवर के बाद स्कोर 47 टर्फ वन कुमार नाइट राइडर्स और एफएच रॉयल्स कुमार नाइट राइडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं 47 for 2 चार ओवर की समाप्ति के बाद यह है टर्फ वन का स्कोर और टर्फ टू पे टीम एमएम इंडियंस अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और दो ओवर हुए समाप्त 16 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर टर्फ नंबर 3 पे मुकाबला कावेरी ब्रदर्स और कोठारी वॉरियर्स के बीच 16 रन स्कोर दैट्स अबाउट टर्फ 3 समीर जी लगातार टर्फ 3 के स्कोर हमें अपडेट कर रहे हैं और टर्फ 1 पे कुमार नाइट राइडर्स और एफएच रॉयल्स टर्फ 2 पे आरकेसीएम रॉक्स और एमएम इंडियंस ये सभी मुकाबले चल रहे हैं अगली जो टीमें हैं टर्फ 1 और टर्फ 2 के जिनके टॉस हो चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो तैयार रहें जैसे ही मुकाबले समाप्त होते हैं तुरंत अगले मुकाबलों की शुरुआत कराएं और एक विकेट आता हुआ टर्फ नंबर 3 पर विकेट नंबर 5 This is Kamlesh Mehta presents Andheri Jain Champions League. Big thanks to all the sponsors again and again. तिरपन रन हो चुके हैं कुमार नाइट राइडर्स के टर्फ वन पे और ये मिलती हुई सफलता टीम एफएच रॉयल्स को टर्फ वन पे बहुत गर्म कंडीशन है यहाँ पे हालांकि राहत वाली बात यह है कि हवा जरूर चल रही थोड़ी थोड़ी फिर भी खिलाड़ी जिस तरह से मैदान के अंदर डटे हुए हैं अपना 100% दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात इस मई के महीने में स्कोर फिलहाल 17 रन 3 ओवर के टर्फ नंबर 3 पर 5 विकेट भी गिरे हैं एक समर्थक बार बार बता रहे हैं मुझे कि भाई विकेटों को ना भूलें आप तीन ओवर के बाद 17 रन चौथे ओवर की शुरुआत ये टर्फ 3 का स्कोर बताया गया और टर्फ 1 पे इस समय ओवर नंबर 6 में स्कोर आगे बढ़कर पहुंचता हुआ 53 रनों पर कुमार नाइट राइडर्स की टीम का आई थिंक जो लक्ष्य है वो 74 रनों का है और टर्फ 2 पे एक जबरदस्त कैच आरकेसीएम रॉक्स के खिलाड़ी क्रेमर ने पकड़ा यह जबरदस्त कैच और टर्फ वन पे एक विकेट का पतन हुआ टीम एफएच रॉयल्स को मिली यह सफलता और एक और विकेट का पतन एफएच रॉयल्स को बैक टू बैक विकेट्स मिलते हुए टर्फ वन पे हमारे एक और जो स्पॉन्सर हैं आप सभी जानते हैं जिनकी तरफ से बैनर की स्पॉन्सरशिप आई है कैनगन वाटर श्रीमान बी आर पाटिल हम उनके भी बहुत आभारी हैं कैनगन वाटर की खास बात यह है कि थोड़े से वाटर में आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है टेक्निकल टर्म्स हम उनसे ही बातें करते हैं बी आर पाटिल जी से कैनगन वाटर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के प्यूरिफिकेशन के बाद ये कैनगन वाटर बनता है आई एम नॉट दैट टेक्निकल अबाउट कैनगन बट थोड़ा बहुत नॉलेज हल्का फुल्का है सर इफ यू कैन थ्रो सम मोर लाइट्स ऑन दिस वाटर मिस्टर बी आर पाटिल आर बैनर स्पॉन्सर ये कैनगन वाटर जो है एक्चुअली
जापनीज कंपनी, 45-year-old कंपनी है, और ये अपना टैब ऑर्डर को रिस्ट्रक्चर कर दी है तीन प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, अल्कलाइन प्रॉपर्टी और माइक्रो क्लस्टर। आप हम एक्चुअली हमारी टीम है आपके घर पे आके आपको पर्सनल ट्रेनिंग देगी, पर्सनल डेमो देंगे हम लोग उसका। थैंक यू। और सर यहाँ पे ग्राउंड पर प्लेयर्स के लिए क्या खास है? या प्लेयर आके ये पानी को टेस्ट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि कितनी उसमें अच्छी प्रॉपर्टी है, कितना हेल्दी पानी है। चलिए थैंक यू सो मच बीआर पाटिल सर फ्रॉम केंगन वाटर आवर बैनर स्पॉन्सर। सो दिस इज अ स्पेशल वाटर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन के बाद ये वाटर बनता है जिसमें तीन मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के या हाइड्रोजन के, एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर। बस बस इतना साइंस में अगर बचपन में पढ़ लेता साइंटिस्ट बन जाता। सभी पेस्टिसाइड्स को रिमूव करके ये प्यूरिफाइड वाटर है, दैट इज केंगन वाटर। यू कैन टेस्ट इट एट आर स्टॉल, एंड इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट आवर स्टॉल ऑफ केंगन वाटर जो हमारे बैनर स्पॉन्सर हैं। एक बार स्कोर बता देते हैं, टर्फ नंबर वन पे आई थिंक मैच धीरे धीरे समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है और एफएच रॉयल्स जीत के करीब पहुंच चुकी है, और शायद ये आखिरी गेंद के साथ एफएच रॉयल्स ने मुकाबला जीत लिया। सो बहुत बहुत बधाइयां टीम एफएच रॉयल्स। और टर्फ वन पर अगला जो मैच है वो शुरू कर दें, दैट इज बिटवीन बॉम्बे बॉयज एंड बिग लायन, बॉम्बे बॉयज एंड बिग लायन। So many congratulations, FH Royals. Hard luck team, Kumar Knight Riders. Next two teams, please start your match. That is Bombay Boys and Big Lion. Nazar dalte hain tough teen ke score par. Over to Samir. So 30 run score tough number 3 pe. Over chal raha hai. Fourth over in progress. Chautha over chalta hua. Maaf kijiye, panchwa over chal raha hai is samay. टर्फ टू पर भी एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है आरकेसीएम रॉक्स और एमएम इंडियंस के दरमियान, और नेक्स्ट जो मैच है टर्फ टू पे वो है विकी एवेंजर्स और व्हाइट टाइगर्स के बीच में। सो दोनों टीमें तैयार रहे अपने मुकाबले के लिए टर्फ दो के समक्ष। पांच ओवर हुए समाप्त और पांच ओवर के बाद 31 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। और सभी टीमों से ये निवेदन है कि एक मैच समाप्त जैसे ही हो तुरंत अगली दोनों टीमें अपने मुकाबले की शुरुआत करें, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है वो आज रात 10-11 बजे तक का है और हमने एक घंटा देरी से मैचेस की शुरुआत की है। सो प्लीज निवेदन है कि जिस तरह से शेड्यूल है उसे हम उस लेवल तक ले जा सकें।